प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। क्षेत्र में 26-27 तारीख की रात में एक व्यक्ति सोमवीर नाम का था, उसकी गर्दन काट करके हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें टीमें बनाई गई थी और लगातार इसमें कार्रवाई जारी थी। इसी क्रम में ये पूरा मामला प्रकाश में आया कि ये अवैध संबंधों के कारण उस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसमें नामजद इन्होंने एक आपसी रंजिश के कारण दो व्यक्तियों को गलत नामजद किया था और जब इसमें और गहनता से पूछताछ की गई तो निकल के आया कि इसमें जो उसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी और उसका चचिया ससुर और उसका एक साथी, तीनों मिल करके ही उसके पति की हत्या किए हैं। और इसमें पूरा क्रम ये निकल के आया कि ये जो महिला है, महिला का विवाद चल रहा था, घर में विवाद हुआ जिसके कारण उसको अलग कर दिया गया था, घेर में रहती थी अपने पति के साथ में और उसका अपने चचिया ससुर से अवैध संबंध चल रहा था। चचिया ससुर के पत्नी की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, वो भी खाली था और इस चक्कर में इनका अवैध संबंध कंटिन्यू था, बार बार इनके परिवार में विवाद होता था और ये जो मृतक था सोमवीर, इनके आपसी प्रेम संबंध जो चल रहा था उसमें बाधक बन रहा था। जब इन लोगों ने एक दिन राय मशवरा किया कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र रचा और अपने ही पति को इसने खुरपी, जो ये आप देख रहे हैं, खुरपी से ही उसके गर्दन पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। इस क्रम में अभी ये पकड़े गए हैं अभियुक्त राजन और ये अभियुक्ता जो है वो भी पकड़ी गई है और इनका एक साथी जो फरार है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सभी की गिरफ्तारी करके इनको विधिक कार्रवाई की जा रही है।